हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब। आज है आपका लेक्चर नंबर 4 बेसिक मैथमेटिक्स का। अब लेक्चर नंबर 4 को शुरू करने से पहले जो कल होमवर्क दिया था, जो शायद आपने कंप्लीट किया होगा, शायद नहीं आपने किया होगा, तो वो उसका हम सॉल्यूशन आज कर लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला होमवर्क ये था कि यदि टेन थीटा का मान 12/5 है तो साइन थीटा तथा कोस थीटा का मान बताना है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, टेन थीटा का मान दिया हुआ है, वो कितना है 12/5। क्या हम टेन थीटा को लंब बटे आधार लिख सकते हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए फिर ये देखिए, साइन थीटा हमें क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे करण। और कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे करण। ठीक है। चलिए फिर अब देखिए, हमारे पास टेन थीटा क्या दे रखा है? 12/5 दे रखा है, जो होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये लंब बटे आधार, ये इसका अनुपात है 12/5। लंब बटे आधार का अनुपात है 12/5। लंब की कोई लंब का कोई मान नहीं है ये 12, आधार का मान नहीं है 5, ठीक है। लेकिन अगर हम माने कि लंब हमारा 12 है, ये मान कर चल रहे, ऐसा है नहीं, पहली बात तो ये हम मान रहे हैं कि लंब 12 है, ये ऐसा है नहीं, जरूरी नहीं कि 12 ही हो, हम ऐसा मान रहे हैं कि लंब 12 है, तो आधार कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। लंब अगर हम 12 मानेंगे तो आधार कितना होगा? 5 होगा। अब है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, मदद से, p² + b² = h², ठीक है। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? p² + b² = h². पी स्क्वायर यहाँ कितना दे रखा है हमें? 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है? 5 का स्क्वायर बराबर, और h की तो हमें निकालना ही है, चलिए 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 प्लस 25 बराबर h स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 13। क्या सबको समझ आया मैंने किस तरह से कैलकुलेट किया, ठीक है। चलिए, हमारे पास h की वैल्यू आ गई है, 13। क्या सही है 13? अब है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे करण होता है। लंब कितना है 12 और करण कितना है 13। फिर आधार कितना है? कोस थीटा में देखो, कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे करण। अब आधार कितना है? 5 और करण कितना है? 13, ठीक है। क्या ये सवाल सबने कर लिया? क्या ये सवाल सबसे हो गया था कल? चलिए अगला सवाल है हमारा, टेन 15° गुणा कोट 15° का मान बताना है। टेन 15° गुणा कोट 15° का हमें क्या निकालना है? मान निकालना है। चलिए ये देखिएगा, क्या हम जानते हैं टेन थीटा किसके बराबर होता है? क्या हम जानते हैं टेन थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा के बराबर होता है? क्या हम इतना जानते हैं टेन थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा के बराबर होता है? ये देखिए, 1/cot थीटा के बराबर हमने टेन थीटा को लिख दिया। चलिए हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टेन 15°
गुणा कोट 15 डिग्री का मान निकालना है। टेन 15 डिग्री गुणा कोट 15 डिग्री का मान निकालना है। क्या हम टेन 15 डिग्री की जगह पर 1/cot 15 डिग्री लिख सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। इसीलिए हम टेन 15 डिग्री को 1/cot 15 डिग्री लिख दें। क्या लिख दें ऐसा? चलिए लिखते हैं। देखो थीटा, थीटा होता है कोण, कोण का कोई भी वैल्यू हो सकता है, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर थीटा की जगह पर 15 डिग्री है ना। ये मत सोचना टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, नहीं। टेन 15 डिग्री को हम 1/cot 15 डिग्री लिख सकते हैं, 1/cot 15 डिग्री गुणा कोट 15 डिग्री। इस कोट 15 डिग्री से ये कोट 15 डिग्री कट गया। हमारे पास क्या आया? एक आंसर आया। ठीक है, अब हमारे पास अगला सवाल है वो ये है, यदि कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ेगा तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा बताना है। अगर कोण जो है, यदि कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ रहा है तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का मान बताना है। तो जब हमारा कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ेगा तो हमें पता है, हमें कल ही पता चल गया था कि साइन थीटा बढ़ेगा, कोस थीटा घटेगा और टेन थीटा क्या होगा बच्चे, टेन थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, हमें ये कल ही पता चल गया था। जैसे जैसे हम 0 से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे, तो साइन थीटा बढ़ेगा, कोस थीटा घटेगा और टेन थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। साइन थीटा बढ़ेगा, कोस थीटा घटेगा और टेन थीटा बढ़ेगा। ठीक है, ये सही है। चलिए फिर अगला सवाल है हमारा, अगला क्या सवाल है, साइन 39 डिग्री गुणा कोसेक 39 डिग्री का मान बताना है। साइन 39 डिग्री, क्या बच्चे हम जानते हैं, साइन 39 गुणा साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec थीटा के बराबर होता है। क्या इतना सब जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec थीटा के बराबर होता है? अभी अभी हमने ऐसा ही कुछ सवाल भी किया था। ठीक है, अब जो साइन थीटा है हमें क्या निकालना है, साइन 39 डिग्री गुणा कोसेक 39 डिग्री क्या होगा। ठीक है, साइन 39 डिग्री को क्या हम 1/cosec 39 डिग्री लिख दें, गुणा कोसेक 39 डिग्री हमने लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। ये कोसेक 39 से ये कोसेक 39 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं तो सॉल्व कर रही हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ आ रहा है ना। चलिए फिर अगला है, हमें मान बताना है। हमें एक त्रिभुज दे रखा है, यह सबको दिख रहा है, एक त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, इस त्रिभुज में लंब दे रखा है 3, आधार दे रखा है 4 और कर्ण हमसे पूछा है। साथ ही साथ हमें क्या पूछा है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा पूछा है। ठीक है, सबसे पहले हम कर्ण निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे भाई, इतनी बार निकाल चुके कि हम तो अभी तक तो ना बस पता ही चल गया होगा ना, मुझे तो लगता है कि आधे बच्चों ने निकाल भी लिया होगा। करण को कैसे निकालेंगे, p² + b² = h² p² कितना है, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर = h²
9 प्लस 16 बराबर एच स्क्वायर, 16 प्लस 9 कितना होता है 25 बराबर एच स्क्वायर। एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 आ गई, एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 आ गई। चलिए अब सवाल का दूसरा पार्ट ये था कि साइन थीटा का मान बताना है। साइन थीटा होता है लंब बटे करण, लंब कितना है 3, करण हमारे पास कितना आया 5, ये देख लीजिए लंब करण कितना आया हमारे पास 5 आया। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास क्या है 4 और करण कितना है 5। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है 1 बटे साइन थीटा होता है, कोसेक थीटा क्या होता है 1 बटे साइन थीटा होता है। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस लंब बटे करण का उल्टा होता है, सॉरी साइन थीटा क्या होता है लंब बटे करण होता है। अब 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, देखो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे करण होता है, 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा क्या होता है करण बटे लंब होता है, ठीक है करण बटे लंब होता है जो कितना है 5/3। सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा, कोस थीटा होता है आधार बटे करण, तो 1 बटे कोस थीटा हो जाएगा करण बटे आधार, क्या हो जाएगा करण बटे आधार हो जाएगा, करण है 5 आधार है 4, ठीक है। फिर कोट थीटा होता है 1 बटे टेन थीटा, कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है 1 बटे टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो वह 1 बटे टेन थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। ये देखिए आधार बटे लंब 4/3, देखो ये है लंब ये है आधार, करण हमसे हमने 5 निकाल लिए है। ये देखिए क्या सबको पता ये लंब है, क्या सबको पता ये लंब है, ये हमारा आधार है, ये हमारा आधार और ये हमारा करण और ये हमारा क्या है करण, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, क्या कहती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगर हम दोनों तरफ, अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, अगर हम दोनों तरफ एच स्क्वायर का, दोनों तरफ एच स्क्वायर का भाग दे दें, क्या दे दें भाग दे दें, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। क्या सब लोग जानते हैं पी बटे एच होता है क्या, होता है साइन थीटा, होता है साइन थीटा। अगर P बटे एच साइन थीटा होता है, अगर P बटे एच साइन थीटा होता है तो P स्क्वायर बटे एच स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। क्या मैं इसे साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, ये देखिए। और कोस थीटा क्या होता है B बटे एच आधार बटे करण, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे हम किस में डब्बे में भेजेंगे, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको क्या रखना है, याद रखना, आपको क्या लगाना है, इसका रट्टा लगाना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देख लीजिए स्लाइड को, ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या किया है। एक त्रिभुज है जिसमें एक लंब है, आधार है, करण है, मैंने कुछ नहीं किया। पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर था, इसमें दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, एच स्क्वायर का भाग दिया। जब एच स्क्वायर का भाग दिया तो एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आया, वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। आपको ये क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए इसी पर बेस्ड एक सवाल है हमारे पास, वो क्या है, हमारे पास सवाल अगला ये है कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 18 डिग्री क्या होता है। साइन स्क्वायर क्या हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सही है, ये एक होता है, मैंने अभी अभी आपको निकाल कर दिखाया, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है। चलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 18 डिग्री है, हम क्या करेंगे, ये देखिए ये दोनों सेम सेम है, थीटा की जगह पर यहाँ पर 18 डिग्री और सारा सेम है, इसीलिए ये किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। ये इसका मान कितना होगा, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 18 डिग्री क्या होगा, एक होगा, क्या होगा, एक होगा। अब देखिएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए गुणा कोस बी प्लस साइन बी प्लस कोस ए गुणा साइन बी, ठीक है। फिर है साइन ए गुणा कोस बी माइनस कोस ए गुणा साइन बी। फिर कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए गुणा कोस बी माइनस कोस साइन ए गुणा साइन बी। कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए गुणा कोस बी प्लस साइन ए गुणा साइन बी। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, ये आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं, लेकिन इतने लंबे चौड़े हम याद कैसे रखेंगे। पहले तो मैं बता देती हूँ ये है क्या, मैंने लिख तो दिया, पहले तो मैं ये बताती हूँ ये है क्या, ये साइन के अंदर, हम अभी तक साइन के अंदर कोई एक एंगल आ रहा था, एक कोण आ रहा था, उसको हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि साइन के अंदर कोई भी थीटा कोण है, कोई भी कोण है, ठीक है, मान लिया। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, साइन के अंदर दो कोण है जिसको हम नाम दे रहे हैं ए और बी। साइन के अंदर कितने कोण है बच्चे, साइन के अंदर कितने कोण है, दो कोण है, साइन के अंदर दो कोण है जिसे हम बोल रहे हैं ए और बी, और ये दोनों एक दूसरे से अलग है, है ना, डिफरेंट है, ए अलग है बी अलग है, देखो डिफरेंट ही दिख रहा है ना आपको, अलग अलग तो थोड़ा ना दिख रहा है, सॉरी अलग ही है ना, सेम तो नहीं है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी है क्या है, साइन के अंदर दो कोण है, साइन के अंदर दो कोण है, दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है। अगर इस तरह से हमें कुछ दे रखा हो तो हम ऐसे फॉर्मूले को लगाएंगे और क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है।
अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, वो सुनिएगा। छोटी सी स्टोरी है दो भाई की। क्या है? दो भाई हैं, ठीक है। एक भाई का नाम है साइन और एक भाई का नाम है कोस। एक भाई का नाम है साइन, दो भाई थे, एक भाई का नाम है साइन और एक भाई का नाम है कोस। साइन जो था वो बड़ा ही समझदार बच्चा था और जो कोस जो था वो बड़ा ही शरारती बच्चा था, है ना। दोनों एक दूसरे से उल्टे, दो भाई थे, एक था साइन और एक था कोस, एक था समझदार और एक था शरारती, है ना। एक दिन साइन जो था वो क्या कहाँ गया? कुरकुरे लाने गया। जब वो लेकर आया, बेचारा खुद लेकर आया था, जब वो लेकर आया तो क्या किया, एक कुरकुरे वो खुद खाया, एक वो खुद खाया, एक अपने भाई को दिया, है ना, फिर एक फिर से अपने भाई को दिया, फिर वो खुद खाया। इक्वल डिवीजन, पहले खुद, फिर भाई, फिर खुद, इस तरह से, ठीक है। जो समझदार था वो क्या था? समझदार था, इसीलिए साइन जहाँ प्लस था वहाँ प्लस होगा, जहाँ माइनस था वहाँ क्या होगा? माइनस होगा, और सारा सेम है। अब देखिए, फिर कोस गया एक दिन कुरकुरे लाने। कोस गया, अब कोस ने क्या किया, जितने कुरकुरे थे वो खुद खा गया, ठीक है। उसकी मम्मी ने देख लिया कि वो अकेले के लिए कुरकुरा खा रहा है तो उसको डांट लगाई बहुत ज़्यादा, तो क्या किया, वो रोने लग गया। और जितने उसके पास के पैकेट में जितने भी बच्चे थे ना कुरकुरे, जितने भी कुरकुरे बच्चे थे ना, वो सारे के सारे साइन को दे दे, बोले तू ही खा ले, ठीक है, रोते रोते। तो देखो, पहले वो खुद खाया, कोस ए गुणा कोस बी, पहले वो खुद खाया, फिर जब उसकी मम्मी ने उसको डांट लगाई तो सारे के सारे कुरकुरे किसको दे दिया? साइन को दे दिया, जितने उसके पास बचे हुए थे। अब जो कि वो रोने लग गया, तो प्लस का क्या हो गया? माइनस हो गया, और माइनस का क्या हो गया? प्लस हो गया। वो रोने लग गया क्योंकि उसकी मम्मी ने डांट लगाई थी, इसलिए प्लस का क्या हो गया? माइनस, और माइनस का क्या हो गया? प्लस हो गया। इस तरह से हम इसको याद भी रख सकते हैं, चलिए, और बहुत ही आसान सा, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। अगर मैंने क्या बताया आपको, साइन ए प्लस बी किसके बराबर होता है? साइन ए गुणा कोस बी प्लस कोस ए गुणा साइन बी, ठीक है, सबको समझ आया। चलिए, अब मैं ये बोल रही हूँ, यदि ए है वो बी के बराबर है और वो किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। ए है वो बी के बराबर और वो किसके बराबर? थीटा, मतलब ए है वो बी, दोनों जो कोण है वो दोनों बराबर है, ए है वो बी के बराबर है, है ना। और सारे क्वेश्चन हम थीटा के टर्म्स में करने वाले हैं आगे फिजिक्स में, ठीक है, जहाँ भी आप पढ़ोगे तो वो थीटा के टर्म्स में होगा, इसीलिए हम इस ए और बी को, मैं क्या बोल रही हूँ, थीटा नाम दे रही हूँ। क्या नाम दे रही हूँ मैं इसको? थीटा नाम दे रही हूँ, ठीक है। क्या नाम दे रही हूँ? थीटा नाम दे रही हूँ। तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ, साइन थीटा प्लस थीटा बराबर साइन थीटा गुणा कोस थीटा प्लस कोस थीटा गुणा साइन थीटा? क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? मैंने क्या किया, जहां भी ए और बी था ना उसको हटाकर, क्योंकि अब सेम है सब, मैंने क्या ऐसा मान लिया कि सब कुछ सेम है, सब कुछ मैंने सेम मान लिया, और उस सबको मैंने क्या नाम दिया? थीटा नाम दिया। ए और बी को मैंने क्या नाम दे दिया? थीटा नाम दे दिया, क्योंकि हम आगे अब थीटा ही पढ़ने वाले हैं। थीटा प्लस थीटा क्या होता है बच्चे? थीटा प्लस थीटा क्या होता है? थीटा प्लस थीटा क्या होता है? टू थीटा होता है। तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा, क्या हो जाएगा? साइन टू थीटा हो जाएगा बराबर साइन थीटा प्लस साइन थीटा, कितना होता है? टू साइन थीटा। कोस थीटा प्लस कोस थीटा कितना होता है? टू कोस थीटा। तो क्या हम यहाँ लिख दे, टू साइन थीटा गुणा कोस थीटा, क्या हम लिख दे,
और ये बच्चे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है, एकदम इम्पोर्टेंट। मतलब वाह, याद रखना है। मैं स्टार भी लगा दूं। साइन टू थीटा क्या होता है? साइन टू थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा गुना कोस थीटा। साइन टू थीटा क्या होता है? साइन टू थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा गुना कोस थीटा। अब अगला है कोस ए प्लस बी बराबर होता है, कोस ए प्लस बी किसके बराबर होता है? कोस ए गुना कोस बी माइनस साइन ए गुना साइन बी। ठीक है, क्या होता है कोस ए प्लस बी? क्या होता है? कोस ए गुना कोस बी माइनस साइन ए गुना साइन बी, यही होता है। चलिए, यदि मैं मानूं कि ए है वो किसके बराबर है? बी के बराबर है, और जिसे हम क्या बोल देते हैं? थीटा बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस थीटा बराबर कोस थीटा गुणा कोस थीटा माइनस साइन थीटा गुणा साइन थीटा। क्या सबको समझ आया मैंने क्या किया? क्या सबको समझ आया? कोस थीटा गुणा कोस थीटा माइनस साइन थीटा गुणा साइन थीटा। थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कोस टू थीटा। क्या हो जाएगा? कोस टू थीटा। अब कोस थीटा गुणा कोस थीटा क्या होता है? दो गुणा दो, दो का स्क्वायर, तीन गुणा तीन, तीन का स्क्वायर। वैसे ही कोस थीटा गुणा कोस थीटा क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आपको क्या रखना है बच्चे? ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब देखिएगा, जीरो डिग्री से लेके नब्बे डिग्री तक, जीरो डिग्री से लेके नब्बे डिग्री तक जो भी इनके बीच में कोण आते हैं, जीरो डिग्री से लेके नब्बे डिग्री तक जो भी कोण आते हैं वो सारे पहले क्वाड्रेंट में आएंगे। वो सारे किस में आएंगे? पहले क्वाड्रेंट में आएंगे। और क्या खास बात है इस पहले क्वाड्रेंट के अंदर? क्या खास बात है कि यहां पर साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, यहां पर साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। मतलब जीरो डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, जीरो 90 नहीं, जीरो से लेकर 90 डिग्री तक जो भी कोण आते हैं वो सारे के सारे पहले क्वाड्रेंट में आते हैं, और यहाँ पर सबके सब पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कोट थीटा सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सेक थीटा कोसेक थीटा को थीटा नहीं लिख रहे, क्योंकि इनका हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, इसलिए हम नहीं लिख रहे। हमें जो ज़रूरत होगी, जो चीज़ें हमें काम आने वाली हैं आगे, तो वही उन्हीं का क्या कर रहे हैं? जिक्र करेंगे। चलिए फिर 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक कौन आएंगे? 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री किस में आएंगे? दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे। किस में आएंगे? दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होने वाला है? इसमें क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जो बच गए हमारे कोस थीटा टेन थीटा, वो क्या होंगे भाई? सिर्फ यही पॉजिटिव होने वाला है, तो कोस थीटा टेन थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। चलिए,
अगला है 180 से लेके, मतलब यहाँ से लेके 270 डिग्री तक, 180 से लेके 270 डिग्री तक क्या होगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और यहाँ पर टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पर टेन थीटा क्या होगा मेरे बच्चे? यहाँ पर टेन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फिर 270 डिग्री से लेके 0 डिग्री, 270 डिग्री से लेके सॉरी 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री जो है वो किस में आएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में आएंगे और यहाँ पर क्या होगा? कोस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पर कोस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? अब ध्यान रखने की बात ये है कि जहाँ पर अगर आपको कुछ इस तरह से दिखे साइन, साइन 90 प्लस माइनस थीटा, साइन 90 प्लस माइनस थीटा अगर आपको कहीं दिखे तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फंक्शन चेंज हो जाएगा क्या मतलब है? फंक्शन चेंज हो जाएगा क्या मतलब है? अगर आपको कहीं साइन 90 प्लस माइनस थीटा कहीं दिखे, प्लस माइनस थीटा का मतलब क्या है? साइन 90 प्लस थीटा या फिर साइन 90 माइनस थीटा, कुछ भी हो सकता है, तो आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब साइन की जगह पर क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा, या फिर कोस की जगह पर क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। टेन की जगह पर कोट हो जाएगा और कोट की जगह पर क्या हो जाएगा? टेन हो जाएगा। ठीक है, फिर है साइन 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इसमें भी क्या होगा? फंक्शन का क्या होगा? चेंज होगा। इसमें भी क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? चेंज होगा। फिर है साइन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, वो कितना होगा? 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर होगा तो आपका फंक्शन क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर साइन 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा अगर आपको कहीं दिखे तब भी आपका क्या नहीं होगा? फंक्शन चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो समझिएगा, ये वाली जो रेखा आपको दिख रही है, ये वाली जो रेखा आपको दिख रही है, खड़ी रेखा, ये क्या है? खड़ी रेखा आपको दिख रही है। यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 270 डिग्री। अगर साइन के अंदर 90 और 270 डिग्री अगर आए तो आपका फंक्शन क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी रेखा लेटी हुई है, लेकिन अगर आपकी रेखा लेटी हुई है मतलब 360 या फिर 180 डिग्री, तो आपका फंक्शन क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। समझ में आया सबको? चलिए, अब अगर फंक्शन चेंज होगा तो क्या होगा? साइन की जगह पर हो जाएगा, साइन की जगह पर हो जाएगा साइन की जगह पर कोस हो जाएगा और कोस की जगह पर क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर, और टेन की जगह पर कोट हो जाएगा। अगर हमें फंक्शन कभी चेंज करना पड़े तो ऐसा होगा, टेन की जगह पर कोट हो जाएगा और कोट की जगह पर क्या हो जाएगा? टेन हो जाएगा। सबको समझ आया? मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये 0 से लेके 90 डिग्री तक हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है और इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फिर 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक क्या होता है? दूसरा क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है।
फिर 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक क्या होता है, तीसरा क्वाड्रेंट होता है और इसके अंदर क्या होता है, टेन थीटा पॉजिटिव होता है। फिर 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक क्या होता है, क्या होता है, चौथा क्वाड्रेंट होता है और यहाँ पर कोस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर साइन के अंदर 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री हो तो हम फंक्शन को चेंज करेंगे, मतलब साइन की जगह पर कोस, कोस की जगह पर साइन, टेन की जगह पर कोट और कोट की जगह पर टेन कर देंगे। अगर साइन के अंदर 180 या फिर 360 डिग्री होगा तो हम फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे, मतलब जो जैसा है वो वैसा का वैसा रहेगा, मतलब अगर साइन है तो साइन होगा, कोस है तो कोस होगा, टेन है तो टेन होगा, इस तरह से हम करेंगे। समझ में आया सबको? चलिए अब हम कुछ सवाल से समझते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। ये देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, पहले तो ये बताइए हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हम क्वाड्रेंट कौन से में हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का क्या मतलब है कि हम कुछ 90 कुछ थीटा एंगल पीछे हैं, 90 में से कुछ थीटा एंगल, माइनस थीटा है ना, माइनस थीटा है, समझ रहे हो बात को, माइनस थीटा यानी कि कुछ 90 कुछ थीटा एंगल पीछे हैं, कुछ क्या है, थीटा एंगल क्या है, हम पीछे हैं, कुछ थीटा एंगल हम पीछे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कुछ थीटा एंगल हम क्या है, पीछे हैं, मतलब हम पहले क्वाड्रेंट में, मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, मतलब हम किस में हैं, पहले क्वाड्रेंट में हैं। अगर हम पहले क्वाड्रेंट में हैं, अगर हम पहले क्वाड्रेंट में हैं तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस, और फंक्शन चेंज होगा क्योंकि साइन के अंदर क्या आ रखा है, 90 आ रखा है, तो प्लस कोस थीटा। ठीक है, सबको समझ आया? चलिए फिर कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, हम पहले क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आएगा, फंक्शन चेंज होगा क्योंकि कोस के अंदर 90 डिग्री है, फंक्शन चेंज होगा तो कोस की जगह पर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। ठीक है, चलिए फिर साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब कि 90 में से कुछ प्लस थीटा आगे, 90 में से कुछ प्लस थीटा आगे, थीटा प्लस थीटा हम कुछ आगे चले 90 में, इसीलिए वो क्या है, प्लस थीटा है। अगर वो प्लस थीटा हम 90 से आगे, मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में भाई साइन तो पॉजिटिव ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही होता है, अगर साइन पॉजिटिव ही होता है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे और साइन के अंदर 90 है, मतलब फंक्शन चेंज होगा और साइन की जगह पर क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, साइन की जगह पर क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। फिर कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा, हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं बच्चे, हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं और हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो क्या कोस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नहीं भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कोस 90 प्लस थीटा में हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव और फंक्शन चेंज हो जाएगा तो माइनस साइन थीटा। समझ में आया सबको? फिर साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये देखिए 180 में से कुछ थीटा एंगल कम, 180 में से कुछ एंगल थीटा कम, यानी कि हम पीछे जाएंगे, 180 में से कुछ एंगल थीटा कम है, मतलब कुछ पीछे जाएंगे तो हम किस में, इससे पता चल रहा है हम सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या पता चल रहा है सबको कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो साइन हमारा पॉजिटिव होता है और फंक्शन हमारा चेंज नहीं होता क्योंकि 180 डिग्री और 360 डिग्री जो रेखा लेटी हुई होती है वो चेंज नहीं होती है, तो यही हो जाएगा प्लस साइन थीटा।
फिर कोस 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कोस, क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं होगा, माइनस कोस थीटा। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है, सबको समझ में आया। चलिए हम अगले सवालों की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमें कुछ सवाल दे रखे हैं, साइन 300 डिग्री, कोस 330 डिग्री, साइन माइनस 30 डिग्री और साइन 240 डिग्री है, इसको कैसे निकालेंगे? चलिए फिर साइन 300 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं, साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, क्या हम लिख सकते हैं 360 माइनस 60 डिग्री, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं भाई? 360 माइनस 60 क्या होता है, 300 ही होता है, 360 माइनस 60 कितना होता है, 300 ही होता है ना। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो बताइए बच्चों हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, 360 में से 60 डिग्री कम, 60 डिग्री कम है, मतलब हम 360 में से 60 डिग्री कम है, मतलब हम चौथे क्वाड्रेंट में हैं, क्या हम चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस, और फंक्शन चेंज नहीं होता, तो माइनस साइन 60 डिग्री, क्या हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा माइनस रूट 3/2, साइन 60 कितना होता है रूट 3/2, कितना होता है रूट 3/2, जो कितना हो जाएगा रूट 3/2, और माइनस जो है वैसा का वैसा यहाँ आ जाएगा। फिर कोस 330 डिग्री, फिर क्या है कोस 330 डिग्री, क्या हम इसको लिख सकते हैं कोस 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्या हम ऐसा कर दे 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है लिख दिया। अब भी हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, अब भी हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, तो ये देखिए हम हैं, हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, हम चौथे क्वाड्रेंट में हैं, हम कौन से क्वाड्रेंट में, हम चौथे क्वाड्रेंट में हैं, अगर हम चौथे क्वाड्रेंट में हैं तो कोस हमारा पॉजिटिव होगा, फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री कितना होता है रूट 3/2, कितना होता है रूट 3/2। फिर साइन माइनस 30 डिग्री, साइन माइनस 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्या लिख सकते हैं साइन माइनस 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 30 डिग्री, लिख दिया लिख दिया। चलिए हम हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, हम हैं चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, तो पहले तो हम साइन को नेगेटिव रखेंगे, और फिर क्या करेंगे फंक्शन तो चेंज होता नहीं है, माइनस साइन 30 डिग्री, जो कितना हो जाएगा माइनस का आधा हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री को हम लिख सकते हैं 270 माइनस 30, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम इतना सोच सकते हैं कि 240 को हम 270 माइनस 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं।
तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, हम कौन से क्वाड्रेंट में, पहले तो ये पता कीजिए। 270 में से 30 डिग्री कम, ये कुछ यहाँ है, 270 में से 30 डिग्री कम, हम कुछ यहाँ इस पोर्शन में, हम है ना कुछ इस पोर्शन में है, 270 में से 30 डिग्री कम है, ठीक है। अगर 270 में से 30 डिग्री कम है मतलब हम तीसरे क्वाड्रेंट में हैं, मतलब हम किस में हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में हैं। अगर हम तीसरे क्वाड्रेंट में हैं, हम किस में हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में अगर हम हैं तो साइन क्या होता है, पहली बात तो नेगेटिव होता है, ठीक है, और क्वाड्रेंट और फंक्शन हमारा चेंज होता है तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, तो माइनस कोस 30 डिग्री, माइनस कोस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, कोस 30 कितना होता है, रूट 3 बटे 2, कितना होता है, रूट 3 बटे 2, और जैसा माइनस था वैसा का वैसा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको मैंने किस तरह से बताया, समझ में आया सबको, समझ में आया, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अपना ध्यान रखिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक भी दिन खराब मत कीजिएगा, ठीक है, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।